दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर खुशखबरी। दोस्तों पीएम मोदी की नई घोषणा, लॉकडाउन में मिलेंगे 5,000 रुपए, जानिए कैसे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने अभी एक नई योजना चलाई जिसके तहत अब सभी को 5,000 रुपए दिए जाएंगे सीधे बैंक खाते में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको 5,000 रुपए कैसे मिलेंगे और सरकार की तरफ से आपको 5 बड़ी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आगे आपको फुल डिटेल के साथ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से इन 5 योजनाओं का लाभ ले सकें और 5,000 रुपये ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें पीएम मोदी की नई घोषणा, लॉकडाउन में मिलेंगे 5,000 रुपये। आपको बता दें सरकार दे रही है 5,000 रुपये तक का लाभ, वो भी सीधे बैंक खाते में। हम आपको बताएंगे कि 5,000 रुपये का लाभ आपको कैसे मिलेगा। दरअसल यूज़ करके लाभ दिया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए आपको हम नीचे अभी ऑप्शन बताएं। पता होगा कि इस समय हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। ये लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से लगाया हुआ है। सरकार ने सभी ये अपील कर रही है कि आप सब अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, लेकिन जो मजदूर लोग होते हैं जो डेली कमाते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई है। तो सरकार ऐसे लोगों का पूरा ध्यान रख रही है। जी दोस्तों आपको बता दें, तो चलिए आप जान लेते हैं कैसे आपको लाभ लेना है। कोरोना वायरस के चलते ऐसे में सरकार ने जो मजदूर लोग होते हैं उनके लिए नई योजना चलाई है जिसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। गरीब कल्याण योजना को आपको 5 योजना का लाभ मिलेगा, नीचे हम आपको बताएंगे। आपको बता दें सबसे पहले पीएम किसान जनधन योजना, फिर इसके बाद उज्ज्वला योजना, फिर इसके बाद पेंशन योजना, फिर इसके बाद फ्री राशन योजना। तो चलिए अब इन 5 योजनाओं के बारे में डिटेल के साथ जान लेते हैं। आपको बता दें सरकार ने किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान। आपको बता दें इस योजना में किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं जिसमें 2,000 रुपये की 3 तक दी जाती हैं। और सरकार ने लॉकडाउन के चलते एक बड़ी घोषणा की थी जिसमें किसानों को 2,000 रुपये की किस्त दे दी गई है। ये 2,000 रुपये किस्त अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में आ गई है। आपके पास मैसेज आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप किसान पोर्टल पर स्टेटस भी चेक कर सकते हो। बता दें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सरकार पूरे देश में खाते खुलवाए हुए हैं। जनधन योजना में जो भी बैंक खाते खुलवाए गए हैं वो सभी 0 बैलेंस वाले खाते हैं। सरकार की नई घोषणा के तहत महिलाओं के जनधन खाते में के तहत खाता खुलवाया हुआ है, उन सभी महिलाओं के खाते में 500 रुपये दे रही है। ये 500 रुपये अगले 3 महीने तक उनके बैंक खाते में आएंगे जिसके आप अपनी सुविधा के अनुसार निकाल भी सकते हैं। ये रुपये आपको अगले 3 महीने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको कुल मिलाकर 1,500 रुपये दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना, सरकार ने गरीब लोगों के लिए पीएम उज्ज्वला योजना भी चलाई है जिसमें महिलाओं के नाम पर फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है। अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि जिन लोगों के पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है उन सभी परिवार वालों को फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यह सिलेंडर 3 महीने तक दिया जाएगा। दरअसल सरकार गैस सिलेंडर के नाम पर पैसे उनके बैंक खाते में डाल रही है। ये रुपये उनके होंगे जितने का एक सिलेंडर आता है, यानी 850 रुपये का अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि यह वेट तो उतर भी जाता है और ज़्यादा भी हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें पेंशन योजना, जिन लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है उन सभी को अब लाभ दिया जाएगा। पेंशन योजना के तहत सभी लाभार्थियों को अब मिलेगी डबल पेंशन जिसमें विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन भी शामिल है। यानी चाहे इन तीनों में से आप कोई भी कैटेगरी के हो आपको दोगुनी पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन आपको अगले 3 महीने तक मिल सकती है। जैसे कि आपको 500 रुपये पेंशन मिलती है तो अब आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। फ्री राशन योजना, लॉकडाउन से सरकार अब सभी को राशन दे रही है। फ्री राशन योजना, आपको 5 किलो चावल प्रति यूनिट के हिसाब से दिए जाएंगे। जैसे कि आपके परिवार में अगर 2 लोग हों तो आपको 10 किलो चावल दिए जाएंगे और अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो आपको 25 किलो चावल दिया जाएगा। यह जो भी राशन मिलेगा आपको अलग से दिया जाएगा, यानी अब आपने में दो ये राशन भी अगले 3 महीने तक दिया जाएगा। तो दोस्तों सरकार ने
लॉकडाउन के चलते ये 5 योजनाओं की शुरुआत की, जिसके तहत गरीब लोगों उनको कोई भी दिक्कत ना हो और उन 5 योजनाओं को वो लाभ ले सकें। तो सरकार ने ये 5 लॉकडाउन के चलते चलाई हैं। कौन सा लाभ मिला है आप कमेंट में जरूर बताओ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।